डॉक्टर साहब, एक तरीक को आम बजट पेश होने के लिए जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? बजट में ऐसा प्रावधान हो कि जो कमजोर वर्ग हैं आर्थिक तौर पे, उनको राहत मिले, किसान को और मजदूर को राहत मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ में सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि टैक्स टेररिज्म जो चला हुआ है वो खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई तरीके होने चाहिए कि टैक्स का कलेक्शन भी ज्यादा हो, यानी फ्रेंडली टैक्स व्यवस्था हो, और टैक्स टेररिज्म जो लोगों के मन में बैठा हुआ है वो खत्म हो। आज हमारी टैक्स व्यवस्था कलेक्शन की ऐसी व्यवस्था है इनकम टैक्स की कि एक आम आदमी को क्या करना पड़ रहा है कि जितना वो सरकार के खजाने में टैक्स पे करता है उससे दुगुना पैसा वो अपने अकाउंटेंट्स को देता है अपने खाते के लिए, इनकम टैक्स के वकील को देता है या इनकम टैक्स के अधिकारी को रिश्वत के तौर पे देता है। जितना सरकार के खजाने में जा रहा है उससे दुगुना अकाउंटेंट को, वकील को और टैक्स इनकम टैक्स अधिकारियों के जेब में जा रहा है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को ये ज़्यादा जो खाते वाते का सिस्टम है ये ख़त्म हो और लोग सीधा जो पैसा वकीलों को, अकाउंटेंट्स को और इनको रिश्वत के तौर पे दे रहे हो सीधा सरकारी खजाने में जाए। और इसका हम एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक विकल्प दे सरकार, जो निजी तौर पे जो काम करते हैं, फर्म्स वगैरह कंपनी वगैरह को छोड़ दें, निजी तौर पे छोटे व्यापारी हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी जो निजी टैक्स भरते हैं, उनको एक विकल्प दे दे कि आप नेट इनकम के बजाय ग्रॉस इनकम पे, अपनी टोटल इनकम के ऊपर 2% के हिसाब से ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ या टोटल इनकम का टैक्स लगाओ, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स, और साथ में यह शर्त लगा दें कि जब पहले टैक्स हो रहा है उसमें कम से कम 25% बढ़ोतरी हो, और इस ग्रॉस इनकम के ऊपर 2% का विकल्प दे दिया जाएगा, तो जो प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि इस देश में केवल 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा अपनी इनकम दिखाते हैं, उसका मतलब कि 1.25 लाख से ज़्यादा टैक्स देते हैं साल में। अगर ये 2% का विकल्प दे दें और उसमें ये कह दें कोई स्क्रूटिनी नहीं हुई, कोई डिटेल अकाउंट नहीं रखने पड़ेंगे, तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कम से कम 2.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 1.25 लाख या उससे ज़्यादा टैक्स देंगे। इसलिए विकल्प रख देंगे जो लोग अब पहले से 25% ज़्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं और कम से कम 1.25 लाख टैक्स या उससे ऊपर देना चाहते हैं, वो अपना ग्रॉस इनकम पे 2% के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं और उसके बाद कोई स्क्रूटिनी ना कोई डिटेल अकाउंट रखनी बात। तो ये एक विकल्प रख देना चाहिए, जो पुराने दर से देना चाहें वो अपना पुराने खाते से कुछ रख लें, और नए सिस्टम से जो देना चाहें, जो पिछले अपना जो टैक्स है उसे 25% बढ़ोतरी देते हों और कम से कम 1.25 लाख रुपया देते हों, तो उनका उनको एक विकल्प दे देना चाहिए। उससे सरकार को कम से कम, मेरा अपना अंदाजा ये है, 6-7 लाख करोड़ का एडिशनल इनकम टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन होगा। बजट से उम्मीद तो यही है कि भाई शायद अब की बार जो है ना ये टैक्स दरें घटाएंगे और लिमिट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो उन्होंने नोटबंदी में जो किया है, जोर दिया है, उससे जो ज़्यादा लोगों का टैक्स के दायरे में जो लोग आएंगे, तो उससे कम से कम दरें तो घटनी ही चाहिए और लिमिट भी जो 2.5 लाख से कम 5 लाख तो होनी ही चाहिए। और उसके बाद जो ये 10% का है ना, ये 10% से घट के 5% आनी चाहिए जो लोएस्ट स्लैब है, और मैक्सिमम जो टैक्स है ना वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप टैक्स दरें कम कर देंगे तो ज़्यादा लोग टैक्स भरने लगेंगे और टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होगा। जो है ना 2.5 लाख तो बहुत ही कम है, एक आम मतलब रेडी वाला भी है ना, उसका भी गुजारा नहीं हो सकता 25,000 में तो, 20,000 में तो। उस आम आदमी की जो है, जो छोटा व्यापारी है, काम करने वाला है, 50-60 हज़ार तो मिनिमम इनकम है ही मतलब पर मंथ की, तो इसलिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, और 5 से 20 लाख तक है ना केवल 5% हो, और 20 लाख से ऊपर मैक्सिमम लिमिट जो है, जो आज 30% है, वो 10% से ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए।